गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा है सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा ब्लॉग है रामपुर शहर के ऊपर। आज आपको रामपुर शहर की गलियों के बारे में बताएंगे और यहाँ के कुछ फेमस जो चीज़ें हैं उनको आपके सामने रूबरू करवाने का आज मौका मिला है। तो प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले आता है यहाँ पे रामपुर शहर में माता का मंदिर। आज हम आपको माता के मंदिर के दर्शन करवा लेते हैं। सबसे पहले बने रहिए। श्री हरवंश शर्मा जी, तो आइए इनसे थोड़ी सी बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। कब से मंदिर है यहाँ पे और प्राचीन मंदिर है, बहुत टाइम से हम तो देखते आ रहे बचपन से इसको। तो पंडित जी कब से हैं आप यहाँ पर? 3 साल। 3 साल लगभग? 3 साल से पंडित जी यहाँ काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। और आपका घर? कलंकी से हैं ये, बिलोंग करते हैं। तो आप थोड़ा सा मंदिर के बारे में बताइए ज़रा। यहाँ एक्सीडेंट हुआ करते थे ना पहले, तो जब से मंदिर की स्थापना हुई उसके बाद एक्सीडेंट बंद हो गया। और ये किसने ये स्थापना की थी यहाँ पे मंदिर की? बाजार के। चलो, तो उसके बाद यहाँ पे सब कुछ सही है। चलो, आपका टाइम लिया हमने थोड़ा सा। चलो ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे है यज्ञ कुंड इस मंदिर का, और यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन आप कर सकते हैं। और बहुत प्यारा सा मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, सुंदर सा। और देखिए यहाँ पे बजरंग बली जी की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति है। हम दोनों भाई, विनोद भाई और मैं, आज रामपुर आए थे। मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाया जाए। और बहुत बड़ा मूर्ति आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, अब आपको रामपुर के थोड़ी क्लिप्स बताएंगे। तो चलिए,
रामपुर बुशहर का बस स्टैंड बहुत ही खूबसूरत बस स्टैंड, बहुत बड़ा बस स्टैंड है यहाँ पे, और दोनों साइड से यहाँ के लिए रोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक ये रोड है, इस साइड को बसेस खूब लगी हुई हैं देखें। और सामने दिख रहा है ये अपना चाटी, और चाटी बहुत ही खूबसूरत पहाड़ के नीचे ये रामपुर बुशहर बसा हुआ है। ये बस स्टैंड है, यहाँ से आप कहीं भी किसी भी स्टेशन के लिए यहाँ से जा सकते हैं, शिमला, रोडू, रिकोंगपियो, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, हर एक जगह यहाँ पे, धर्मशाला हो आपका, मनाली हो, कुल्लू हो, और जितने भी दिल्ली जाने वाले जो भी यात्री है इधर के, सारे यहीं से बस स्टैंड से जा सकते हैं। रामपुर बस स्टैंड है और चूहा बाग के ठीक निचली साइड है ये। रामपुर बुशहर का काफ़ी बड़ा ग्राउंड पट बंगला, जो कि बहुत फेमस ग्राउंड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, और यहाँ पे क्रिकेट के मैच और जितने भी अपने कॉलेज के जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं सारे यहीं होते हैं। लवी मेला भी इवन कि यहीं होता है। साथ में देखिए आप बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के लिए लगी हुई है वहाँ पे नेट, साथ में इसके साथ देखिए आप बॉक्सिंग के लिए एक रिंग वहाँ पे तैयार किया गया है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग यहाँ पे खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए सुबह शाम आते रहते हैं, और दिन में भी काफ़ी लोग चले रहते हैं। पट बंगला ग्राउंड के साथ है ठीक सटा हुआ हमारा रामपुर डिग्री कॉलेज। यहाँ पर अंदर तो हमें जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और अपनी तरफ से हम कुछ गलत ना करें, इसीलिए कभी भी इस कॉलेज के अंदर तभी जाएं जब आपका विशेष काम हो। और बहुत अच्छा कॉलेज है और बहुत अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू से, और शिमला डिस्ट्रिक्ट के तो खैर आते ही हैं। आप भी एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए, जब काम होगा आपका तो ज़रूर जाइए कॉलेज में। तो लीजिए, आपके सामने है अब बुद्ध मंदिर रामपुर बुशहर, और ये ठीक हमारे पुराने बस स्टैंड के साथ, और ये हमारा नव होटल, रामपुर का सबसे बड़ा और 3-स्टार 4-स्टार होटल। और अब आपके सामने पदम पैलेस रामपुर बुशहर, स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी का महल, और ये उनके पिता श्री स्वर्गीय राजा श्री पदम सिंह जी ने बनाया था, और इस महल को बहुत टाइम हो गया, और बहुत ही सुंदर महल है ये। अब आप इसका मज़ा लीजिए, लुत्फ़ उठाइए इसके व्यू का। ये है यहाँ का मिनी बस स्टैंड, और चौधरी अड्डा भी यहाँ पे खुलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। और सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है सारा, ये सामने जगात खाना है, वो वाला सारा एरिया। सो गाइस, ये लेट श्री वीरभद्र सिंह जी, जो हमारे सीएम साहब और यहाँ के बुशहर रियासत के राजा थे, और अब यहाँ के नए राजा श्री विक्रमादित्य सिंह जी। तो ये बहुत पुराना महल है, और जो ये राज परिवार है ये श्री कृष्ण के वंशज हैं, और इनके कुल माता भीमा काली देवी हैं। तो गाइस, आप कभी रामपुर आए तो इसे देखना मत भूलिएगा। गाइस, ये है यहाँ का मिनी सेक्रेट और फायर ब्रिगेड, और इसके ठीक पिछली साइड है अपना बॉयज स्कूल।
ये है यहाँ की मैन मार्केट के लिए रास्ता, ये है अपना पदम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर की शहर। हमारे बैक साइड को देख रहे हैं पुलिस स्टेशन है बिल्कुल बॉय स्कूल के सामने, पुलिस थाना रामपुर। और ये है अपना पोस्ट ऑफिस, अग्निशमन विभाग और साथ में ये पोस्ट ऑफिस है। ये अपना तहसील कार्यालय है। तो गाइस अब चले मार्केट की तरफ, मार्केट से हम डायरेक्ट निकलते हैं गांधी पार्क की तरफ। हम आपको दिखाते हैं गांधी पार्क, जो कि यहाँ का बहुत फेमस पार्क है गांधी पार्क। तो बने रहिए हमारे। तो गाइज ये है अपना गांधी पार्क, यहाँ पे अंदर जाना भी अलाउड नहीं है, वैसे गेट बंद है। चलो हम आपको बाहर से ही गांधी पार्क के दर्शन करवा देते हैं। और यहाँ पे बढ़िया सा एक फुहारा लगा हुआ है। गांधी पार्क के साथ में चिल्ड्रन पार्क भी है, चिल्ड्रन पार्क भी आपको दिखाते हैं। गांधी पार्क जो है बहुत ही फेमस है, यहाँ पर सभी लोग शाम के टाइम बैठने के लिए आते हैं। और इसके साथ में शनि मंदिर वगैरह है निचली साइड को, पर अभी उस साइड नहीं जा पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम का भी अभाव है हमारे पास। ये अपना चिल्ड्रन पार्क है, लॉकडाउन की वजह से सारे गेट्स वगैरह बंद हुए हैं। अब ये है यहाँ की मेन मार्केट। ये है श्री ठाकुर सत्यनारायण मंदिर।
गाइस कैसा लगा आपको हमारा आज का ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे भी आप सभी के बीच में नए नए व्लॉग लेकर आते रहेंगे। ओके, गुड बाय।